नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज और मैं अनुष्का सिन्हा। बिहार की राजनीति में कोरोना कहर बढ़ पा रहा है। कई नेता, मंत्री और विधायक कोरोना के चपेट में आ गए हैं। इसके बाद RJD के विधायक संजय यादव को कोरोना का डर नहीं है। वे अपने जान तो जोखिम में डाल ही रहे, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ता और नज़दीकी लोगों के जान को भी खतरे में डाल रहे। RJD के विधायक संजय यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ झरना में ग्रुप स्विमिंग कर रहे हैं। यह मामला रोहतास जिले के तिलौथू का है। राजद के काराकाट के विधायक संजय यादव अपने समर्थकों के साथ तुतला भवानी के झरना गए। इस झरने के पानी में दोस्तों के साथ कोरोना संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर विधायक अपने समर्थकों के साथ झरने के पानी में आनंद लेते रहे। इस दौरान फुल मस्ती हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। काराकाट के राजद विधायक संजय यादव लगभग 40 गाड़ियों की काफिले के साथ तिलौथू के कैमूर पहाड़ी के तलहटी में स्थित तुतला भवानी दर्शन करने आए थे। इस दौरान वे कैमूर पहाड़ी से गिरने वाले झरने को अपने साथियों के साथ आनंद लेने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। विधायक ने अपने आप को कोरोना संदिग्ध बताते हुए पिछले दिनों कोरोना का सैंपल जांच के लिए भिजवाया है। फिर भी एक जनप्रतिनिधि होते हुए इतनी बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की जा रही है। झरना में नहाने के बाद विधायक कैमरे के सामने भी आए और अपने सभी सहयोगियों के साथ यह बयान भी दिया कि हम लोग कोरोना की जंग मिलकर जीतेंगे और इसके लिए यहाँ पूजा अर्चना भी कराने आए हैं। मैं आज वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं बहुत माँ के बारे में सुना हूँ, माँ के महिमा के बारे में सुना हूँ, लेकिन आज माँ के चरणों में आकर के, आज दरबार में आकर के, आज तुतला भवानी के दरबार में आकर हमें जितना खुशी मिला, हमारे साथ हमारे काराकाट के पूर्व प्रत्याशी मुन्ना राय जी भी हैं, हमारे विक्रमनगर प्रसिद्ध के उपाध्यक्ष और व्यापारी व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और सबसे मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जो तुतला विकास कमेटी है, जो रेडिया जो कमेटी जो यहाँ के संस्था जो है, और हमारे अध्यक्ष जी, आइए अध्यक्ष जी, गुरुचरण यादव जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, और यहाँ के जितने भी युवा मुझे जिस तरह तत्परता दिखाई दिया इस मंदिर के जो विकास में, जो सब लोग अपना आस्था रखे हुए हैं, सब लोग, मुझे लगता है कि मैं दिल से सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते और बिहार के MLA होने के नाते मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा, 15 साल आप सत्ता में रहें और इस माँ का जो आशीर्वाद है, तुतला माँ का जो आशीर्वाद है, पूरे बिहार की जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मिलता है। हम चाहेंगे कि एक दर्शन यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ का कायाकल्प तो जरूर चेंज हो जाएगा। जो चीज़ें मुझे कमी दिखाई दिया मुख्यमंत्री जी के आने से, मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ का जो है, जो सुविधा यहाँ के जो श्रोता आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर शरणार्थी आ रहे हैं, उनको ये मिलता, मैं आग्रह करूँगा। लेकिन दर्शन जो भी दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पे, वो सब लोग को एक खुशी मिलती, और यहाँ पे जो सुविधा आप लोगों ने जितना किया है, मैं आपकी कमेटी को और अपने रोहतास जिला के प्रशासन को भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं बता दूं कि मैं माँ के लिए बहुत आस्था है हमारे अंदर, और मुझे जितना सुकून मिला आज यहाँ पे आकर के, और मुझे आने वाले समय में मैंने माँ से जो मांगा है, माँ ने अगर मनोकामना पूर्ण करती हैं, मनोकामना पूर्ण मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बिहार के भविष्य की बात कर रहा हूँ, जो आशा भरी निगाहें से तेजस्वी यादव जी को लोग, पूरी बिहार की जनता देख रही है, तुतला भवानी की। मुझे लगता है कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी साल या अगले साल जो भी चुनाव जब भी हो और जनता का आशीर्वाद मिला, एक मौका मिला तेजस्वी यादव जी को, तो मुझे लगता है कि ये हमारा युवा मुख्यमंत्री तुतला भवानी का नक्शा तो जरूर चेंज कर देगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इसके लिए, याद दिलाने के लिए, यहाँ के प्रोग्रेस के लिए, यहाँ का विकास के लिए, अगर मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी यादव जी होंगे ये 2020 का, अगर हमारा नहीं सुनेंगे, तो मैं अपने तुतला माँ के लिए, तुतला भवानी के लिए
सीएम आवास के सामने बैठ के धरना दूंगा यहाँ विकास के लिए। ये मैं जरूर माँ के सामने ये मैं वादा कर रहा हूँ माँ से, और निश्चित तौर पे माँ का आशीर्वाद और बिहार की जनता और हर समाज का, हर तबके का लोग, ए टू जेड वाला जो नारा हमारे तेजस्वी यादव युवा जो युवा नेता हमारे जो दिए हुए हैं, हमको लगता है कि यहाँ के जितने युवा हमारे अध्यक्ष जी या जो भी यहाँ के तुतला भवानी विकास कमेटी रेणिया के जितने भी लोग हैं, उनके चेहरे पर तेजस्वी यादव के लिए खुशी होगी जब तेजस्वी यादव इस विकास को करके और उसका उद्घाटन करने इस माँ के धरती पे आएंगे। तेजस्वी यादव जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। इस दौरान न विधायक जी के और न ही उनके किसी सहयोगी के चेहरे पर मास्क दिखा। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।